को बढ़िया से सफर पे लेके चलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो चलो इस जर्नी को हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सफर का मजा लेते हैं और पापा बना के लाई थी खीर, तो अभी वो खाने वाली है। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए ब्लॉग, एक नए दिन में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो कल जैसे कि आपको पता है कि हमारी गाड़ी हमें मिल चुकी है और कुछ थोड़ा बहुत काम इसमें रह गया था, तो वो हम अब कराने जा रहे हैं मार्केट, यानी लालबाग मार्केट कराने जा रहे हैं इसको। तो अभी चलते हैं लालबाग मार्केट, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या काम इसमें कराना है। कार का ऑडियो सिस्टम बहुत खराब हो गया था, इसलिए इसको चेंज कराना जरूरी था, और बहुत ही अच्छा सिस्टम मैंने लगवाया है। सारा सामान अभी तक गाड़ी में पड़ा हुआ है। हम लोग की गाड़ी में भी काम चल रहा है और हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो आज तो यहाँ पर आ गए हैं कुछ खाने के लिए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। और भी कुछ काम थे, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग का काम था, वो भी मैंने करवा लिया, साथ साथ ये भी निपट गया। तो भाई कार लेकर आ गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा थक गया था मैं, क्योंकि 4 से 5 घंटे लग गए सेंट्रल लॉकिंग लगने में, और बहुत सारी चीज़ें होनी थी। उसके अंदर टेप भी ख़राब था, उसका टेप भी लगवाया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और थक गया बहुत ज़्यादा। आके मैं आपको दिखा नहीं पाया, बता नहीं पाया। तो गाड़ी हमारी एकदम फाइनल हो चुकी है, तो फाइनली आज हम लोग निकल रहे हैं अपने सफर पे, और बहुत ही लंबा सफर है। तो अब चलते हैं, सारा सामान गाड़ी के अंदर रखते हैं फटाक से, क्योंकि हम जा रहे हैं कार से। ये था सरप्राइज, चलो सामान रखते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग का सफर अब शुरू होने वाला है, सफर का आगाज हम करने जा रहे हैं, और आप सबकी दुआओं के साथ हम सब इस सफर का आगाज कर रहे हैं। तो बढ़िया से सफर पे लेके चलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो चलो इस जर्नी को हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और उनकी टंकी हो रही अम्मू की फुल, भगवान रंग में इंतजार कर रहे हैं अंदर, और आ गया फर्स्ट टोल, और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी टाइम लगने वाला है। दोस्तों टोल पे इतना जाम लगा हुआ है कि हालत खराब है भैया, और ये आराम से आवाज सो रहे। सफर का मजा लेते हुए और पापा बना के लाई थी खीर, तो अभी वो खाने वाली है। अभी दिखा रहे हैं कैसी है। कैसी है बताइए? बहुत बढ़िया, जल्दी खाती है, टेस्टी। ये आ गया दूसरा टोल हमारा, पहला तो दूसरा आ गया, और इस टोल को भी हमने क्रॉस कर लिया है सक्सेसफुली। चलो चालू नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग शाहजहांपुर क्रॉस कर चुके हैं, और बरेली आने वाला है हम लोगों का थोड़ी देर में, और अभी तो बहुत लंबा सफर है अपना, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें वीडियो में। एक और टोल, चौथा तीसरा कह लें, तीसरा टोल ही है जो बरेली हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे बरेली पहुंचने वाले हैं, बरेली बाईपास पहुंचने वाले हैं। काटो भैया, अब यहाँ से बरेली बाईपास पहुंचेंगे हम लोग अहमदाबाद के लिए। धीरे धीरे आपको पता चलता चलाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये आ गया भैया टोल, चौथा टोल आया ना, चौथा है ना, पांचवा टोल आ गया, रामपुर आने वाला है, रामपुर आने वाला है भैया। तो इस टोल में थोड़ा सा टाइम लग गया, पता नहीं क्या हो गया, और अब हम लोग रामपुर पहुंचने वाले हैं। रामपुर यहाँ से रह गया है 40
77 किलोमीटर, मुरादाबाद है 70 किलोमीटर और अभी तो बहुत लंबा सफर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रामपुर और रामपुर हम क्रॉस कर रहे हैं और नगमा और अबान सो रहे हैं। बढ़िया है, सो नहीं रही हो? चलो अबान तो सो रहा है। तो दोस्तों हम लोग रामपुर पहुंच गए हैं, अभी तक की गाड़ी मैंने चला डाली है 321 किलोमीटर और लगातार चली रही है गाड़ी। तो अभी हम लोग मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मेरठ। आपको रूट बता दिया है, आप समझते रहिए कि हम लोग कहाँ जाए। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। तो अभी तो मैं ड्राइव करने में बिजी हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी तो भाई आ गया है सातवा टोल और अब हम लोग जो है मुरादाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब हम चलेंगे थोड़ी देर में मेरठ के रोड पे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये सातवा टोल आ चुका है। और ये अवान की नींद अभी तक टूट नहीं रही है। तो हम लोग मेरठ पहुंचने वाले थे बट उससे पहले जाम बहुत बड़ा लगा हुआ है, 2 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा अभी पता नहीं है। और अभी तक 432 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आकर अटक गए, मतलब इतना बढ़िया आ गए यहाँ पे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसके आगे वाला जो पार्ट होगा, आगे वाला जो रूट होगा, वो आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाई देगा। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।